शहर में पुलिस जहां एक तरफ गुटवर्क करके अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ चोर पुलिस को चुनौती देकर घरों में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस सिर्फ साक्ष्य जुटाने की बात करती है। बताया जा रहा है कि नौबस्ता थाना क्षेत्र के राजेंद्रपुरम में रहने वाली महिला ने बताया कि वो सीओडी के ऑफिस में सुपरिटेंडेंट है और सोमवार को इलाज के लिए लखनऊ गई हुई थी, जहां से लौटने पर घर के दरवाजों पर लगे सारे ताले टूटे पड़े थे। जब पीड़िता घर के अंदर पहुंची तो महिला के होश उड़ गए। महिला कांति सिंह ने बताया कि रविवार को इलाज के लिए लखनऊ गई हुई थी। वहीं पड़ोसियों की सूचना पर महिला घर पहुंची। घर घटना को देख महिला ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और घटना की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। वहीं पीड़ित ने बताया कि घर से चोरों ने जेवर व नगदी सहित 13 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता गुलाब शर्मा की रिपोर्ट। क्या है आज, क्या घटना हुई आज, क्या है? सुबह फोन किया, मैं लखनऊ गई थी, दवा लेने डेंगू हो गया मुझे, उसी के लिए दवा लेने गए। कहाँ गए? लखनऊ गए थे सर, संडे को सुबह 7 बजे। आज क्या घटना हुई है, आप वापस लौट के घर आए? आज सुबह 6:30 बजे वहाँ फ़ोन किया मेरे पास कि आपका लॉक टूट गया है, बाहर जो लॉक लगा था टूटा हुआ दिख रहा था। बस फिर हम लोग 11:30 बजे यहाँ आए तो खोल के देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, पूरा कैश ज्वेलरी। कितनी ज्वेलरी, कितना कैश गया है? करीब 10-12 लाख की ज्वेलरी थी और 60,000 रुपये कैश रखे। और इसके अलावा कोई सामान? इसके अलावा बस सब सामान बिखरा हुआ है, कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई है जाँच के लिए। मैम आप कहाँ पर तैनात थे? मैं सेंट्रल ऑर्गेनाइज डिपो में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पास, और चूँकि मुझे डेंगू हो गया था इसलिए मैंने अपने कमांडर को रिपोर्ट करके मैं छुट्टी पर बैठी हूँ।